एकांत में जो बात हुई वह बात कुछ कहने के लिए संकेत हुए, तो यूं तो बहुत सी बातें हुई, उनमें जो खास सार जो बात है वो बतलाई जाती है। एक भाई ने कहा क्षण के बीच के वहां जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा सुना जाता है, तो एक क्षण के वहां भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपाय सो बतलाओ। मैंने ये उत्तर दिया कि अपने इस सारे जीवन के वहां भी यदि आप लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जावे तो मैं अपने को धन समझता हूं, और जिनको भगवान मिल जाए उसको तो धन है ही, बाकी का जो जीवन है इस जीवन के वहां यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जावे तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों को बहुत कुछ लाभ मिल गया। एक क्षण के वहां परमात्मा की जो प्राप्ति बतलाई जाती है वह एक क्षण की प्राप्ति, एक क्षण में भगवान की प्राप्ति पात्र को होया करती है। हम लोग उस प्रकार के पात्र नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो तो है तो ऐसी ही कि कोई भी विषय है उसको जानने में क्या विलंब लगे, परमात्मा है ये विश्वास दृढ़ हो जावे तो फिर परमात्मा उससे कैसे छिप सकते हैं। कोई भी चीज का ज्ञान एक क्षण हो जाता है, और क्षण के वहां ज्ञान होने के साथ ही अज्ञान का नाश हो जाता है, और ये अज्ञान ही हेतु है कि जो इतना विलंब हो रहा है। एक कथा है कि एक समय के बीच के वहां बहुत से राजा जनक हुए हैं, उनमें एक जनक की कथा ऐसे सुनी जाती है कि वह ब्राह्मणों को साधुओं को बुलाते आदर किया करते थे और पूछा करते थे कि आप ज्ञानी महात्मा हैं, और वो कहता कि हाँ मैं हूं, तो बोले मुझको ज्ञान का उपदेश करो, यदि आपके पास ज्ञान है और आप हमारे को ज्ञान दे सकते हैं तो एक क्षण में यानी इतनी बार के मां मैं ज्ञान चाहता हूं कि घोड़े के पावड़े में एक पैर तो मैं रख दूं और दूसरा उठाकर रखूं, इतनी बार में ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से थी महात्मा लोग ज्ञानी ऋषि मुनि सन्यासी और गृहस्थी ब्रह्मचारी पंडित आया करते थे, और उसको इतनी बार में ज्ञान दे नहीं सकते तो राजा उसको कैद कर दिया करता, ऐसे सैकड़ी आदमियों को कैद कर दिया राजा। तो एक कहोड़ मुनि थे, वह भी वहां राज में गया और समझो कि ज्ञान नहीं दे सका तो उसको भी ऐसा कैद कर दिया। उसका एक पुत्र था, उसका नाम अष्टावक्र था। उसका अष्टावक्र नाम क्यों पड़ा कि वह माता के गर्भ में आ गया तभी उसको गर्भ में भी चारों वेदों का शुद्ध ज्ञान था। एक दिन उसका पिता जो यही कहोड़ मुनि वेद का पाठ कर रहे थे और उसमें अशुद्धि आ रही थी, उसके लिए वो गर्भस्थ जो बालक है अष्टावक्र माता के मुख से और अपने पिता को ऐसा कहा कि ये गलती आपकी, ये आपकी गलती, ये आपकी गलती, तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध आने से ऐसा क्रोध आया कि भाई देखो गर्भ के वापड़ है अभी मेरे को उपदेश देता है, बार में निकलेगा तब तो नहीं मालूम ये क्या हमारी फजीती करेगा। तो उस गर्भ के ऊपर लात मारी
लात मारने से कच्चा गर्भ उसके हाथ पैर इत्यादि सब बांकी होगी, हाथों में पैरों में मुंह में बांक होगी, तो वो जलने तो उसके आठ जगह बांक, इस वास्ते उसका नाम है अष्टावक्र। पैरों में बांक, हाथों में बांक, समझो कि और सिर में बांक, सब जगह एकदम शरीर ऐसे एक निराले ढंग का होगा। उसका बाप जो कौड़ ब्राह्मण है, राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, ज्ञान नहीं उसको बतला सके, तो कैद कर लिए गए। उसकी उम्र का उसका मामा था, उसका नाम था उदालक। ये दोनों साथ में खेला करते थे, और उसका जो मामा है अपने माता को माता, पिता को पिता कहा करते थे। तो अष्टावक्र भी उसी प्रकार से अपना लगता तो है नाना, किंतु वो पिता पिता कहा करते और नानी को माँ कहा करते। कारण यह है कि जिस प्रकार से वो मामा एक प्रकार से कहता है, उसी प्रकार से वो कहने लग गया। बच्चों में ये आदत पड़ जाती है। वे दोनों खेला करते थे। एक दिन जो है गेंद खेला करते थे, तो अपने राजपुताना के देश में एक प्रकार का खेल है, और वो गेंद एक प्रकार से फेंकता है, तो एक दो छोटे ढेलों पर राखी दिखाई जाते हैं, उस राखी को एक प्रकार से गेंद से गिरा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि मेरी तुक थी। तो उस मारवाड़ी भाषा में उसने ये कहा कि मेरी तुक पीगी। तो उसका जो मामा जो है उसको आ गया क्रोध। अरे बोला तू तो यहाँ तुक पिलाता है, तेरा बाप पड़ा कैद में। तो उस वो बात उसके लग गई, आपकी माँ के पास आया। माँ ने कहा कि माँ मेरा पिता कौन है? तो बोलो ये है ना, बोलो ये तो तेरा पिता है, मेरा पिता कहाँ है? तो माँ रोने लगी। अरे बोले बेटा तू तो इसी घड़ी का हुआ था, तेरे जन्मने के बाद तेरा पिता तो कैद में पड़ा है। माँ ने ये बात कह दी, ये सुन करके के, और वो बोला कि मैं उस जनक के पास जाऊं, उसको प्रास्त कर दूंगा। माँ ने मना भी किया, पर उस बालक के धुंध चल गई, जोश आ गया, और साथ में उसका जो मामा उदालक है वो भी साथ के मां चला गया। जब राजा के यहां प्रवेश करने लगे तो उसे चौकीदार ने, डोडीवान ने कहा कि तुम कहां जाते हो? बोलो हम दोनों राज्यसभा में जाते। बोलो राज्यसभा के बीच में तो वहां विद्वान और पंडितों की सभा है, वहां बालकों की सभा नहीं, तुम लोग बालक हो तो वहां बालक नहीं जा सकता। बोलो अवस्था के वहां बालक नहीं जा सकता, या ज्ञान में बुद्धि में बालक वो नहीं जा सकता। यदि अवस्था में बालक नहीं जा सकता तब तो हम लोग नहीं जा सकते, और यदि बुद्धि के वहां जो बालक है मूर्ख है वो नहीं जा सकता, तब हमारा अधिकार है जाने का, तुम हमारे से शास्त्रार्थ कर। जब शास्त्रार्थ के बीच में आपके प्रश्नों का उत्तर हम ठीक दे दे रहे तब हमको जाने देना। तो उन्होंने देखा कि ये तो अवस्था का ही, दोनों अवस्था के ही बालक है, और वास्तव में तो समझो कि ये पंडितों का भी दांत इकट्ठा करने वाले हैं। उनको छोड़ दिया और सभा में आकर के दोनों खड़े हुए। तो तुम्हारा शरीर एक अनोखा ही है और तुम क्यों हंसते हो? बोलो मैं तो ठीक ही हंसता हूँ। तो बताया कि इन लोगों का हंसना तो ये कारण है तुम्हारे शरीर को देख करके हंसते हैं। बोले मेरा ये कारण है कि मैं यहाँ पंडितों की सभा समझ करके, विद्वानों की सभा समझ करके यहाँ आया, और यहाँ आकर के देखा यहाँ तो चमार ही चमार बैठे। पहले मुझको ये मालूम होता कि चमारों की सभा होती है तो मैं यहाँ नहीं आता, मैं तो पंडितों की सभा समझ करके यहाँ आ गया। पंडित जो होते हैं वे तो गुण को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, और चमार होते हैं वे परीक्षा करते हैं हड्डी की कि चमड़े की। मेरा जो बांका है तो शरीर है, ये तो हड्डी बांकी है कि चमड़ा बांका है? तो हड्डी और चमड़े की परीक्षा तो चमार क्या करते हैं? तो मैं तो
मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा कि राजा जनक के यहाँ पंडित ही कहते होते हैं, किंतु मैं अब निश्चय कर लिया कि यहाँ पंडित पंडित नहीं होते, यहाँ तो चमार भेड़े होते। सब चुप हो गए। सिर्फ अष्टावक्र ने कहा कि मैं ऐसा सुनता हूं कि आप के इस प्रकार से यहाँ पद्धति है कि कोई आकर ज्ञान का उपदेश करे तो एक प्रकार से आप उसको संतुष्ट करते हैं, और जो नहीं कर सके तो उसको आप कैद कर देते हैं। और करना बहुत इतने काल में करना पड़ता है कि एक पैर तो घोड़े के पावड़े में रख दिया और दूसरा रखे इतनी बार में ज्ञान दे वो ज्ञानी। राधा दिन ने कहा कि हाँ बात यही नेम है। तो बोले मैं तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए आया हूं, बहुत ठीक है, किंतु आप ये बात समझ ली कि एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर समझो कि घोड़े के पावड़े में रखे इतनी ही बार में ज्ञान देना पड़ता है। हम बोले इतनी बार में तो तीन दफे में ज्ञान दे देता। तो राजा बोला बहुत ठीक है, घोड़ा मंगाया गया और अष्टावक्र सामने खड़े हैं। राजा अपना एक पैर रख दूसरा रखना चाहता है, उसके बीच में राजा को ऐसा अष्टावक्र कहते हैं कि मन मुट्ठी के मां पकड़ो। राजा बोला भी मन मुट्ठी में कैसे पकड़ा जा, मन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मुट्ठी में पकड़े। मन मुट्ठी में पकड़ने का तात्पर्य बतलाइए। बोलो तात्पर्य यह है कि जब तक मैं दूसरी आज्ञा नहीं दूं इतने तुम्हारा मन अपनी मुट्ठी में ही रहे। ऐसा तुम अपने मुट्ठी में ध्यान लगाओ कि मन इधर उधर नहीं जाना पावे, केवल मुट्ठी का वहीं रहे। तो राजा ने कहा यह तो होना कठिन है। तो ये होना कठिन है तब इतनी बार में ज्ञान होना भी कठिन है। पहला तुम तैयार हो, पात्र होने के बाद तो इतनी बार का फैसला है, पात्र तो तुम नहीं। कैद करते हो ब्राह्मणों को और अपने ऋषियों को जो निरपराधी हैं। तुम्हारे तो यहाँ अभी तैयारी ही नहीं है, तुम पूछते हो कि भी सब हमारे को ज्ञान दो। कोई हाथ के मां चलनी लेकर के और कहे कि इसमें दूध ढाल दो तो चलने में तो दूध ठहरेगा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा। पात्र तो होना चाहिए ना, दूध तो पात्र में ठहरता है, तो पात्र तो तू नहीं है और दंड देता है ब्राह्मणों को, ये अन्याय है तुम्हारा। तो क्या करना चाहिए, बोले पहला तुम पात्र बनो और पात्र बनने के बाद ये सवाल तुम करो, फिर तुम्हारे को हम इतनी बार में ज्ञान नहीं दे सके तो आप हमारे को कैद कर। राजा सोचा भी बात तो ठीक कही, तो महाराज आप ही मैंने पात्र बनाओ। बोले पात्र बनाने में कितना समय लगेगा, पात्र बनने के बाद देरी का काम नहीं है। तो एक प्रकार से ठीक है, तो और आपकी क्या गया कि प्रथम तो निरपराधी ब्राह्मणों को तुमने कैद कर रखा है, उनको सबको छोड़ दी, और फिर तुम पात्र बनने के वास्ते प्रयत्न करो, फिर तुम्हारे को ज्ञान बताने में तो क्षण का काम है, मिनट का काम है। सबने छोड़ दिया और राजा ने वैसे ही किया जैसे अष्टावक्र जी ने कहा। तो अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया ज्ञान का राजा जनक को, उस गीता को नाम अष्टावक्र गीता है। तो ये बतलाया जाता है कि हम लोग पात्र बन जावे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। जैसे बिजली फीट हो जाए तो फिर तो स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाएगी, एक मिनट भी नहीं लगेगा। जो विलंब है वो बिजली के फीट होने में है। तो अपने तैयारी करो, तैयारी होने के बाद में ज्ञान तो एक समझो कि क्षण मात्र के बीच के में हो सकता है, उसमें विलंब ही ऐसा क्या है। तो ये बात तो मैं आपको एक समझाने के लिए एक कथा के रूप में कही, वहां ये हमारे बात नहीं हुई थी एकांत में। एकांत में तो सार बात ये थी कि एक क्षण के बीच के वहां भगवान कैसे मिले। तो मैंने कहा भी हम लोग यदि पात्र हो तो मिल सकते, पात्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी ये बात चली कि परमात्मा को सब जगह हम देखें, सब जगह भगवत बुद्धि हो जावे तो परमात्मा की प्राप्ति दूर कर सकती है। भगवान कहते हैं बहुनांग जन्मनामंग ज्ञानवान मांग प्रबद्धते
वासुदेव अश्वमिति स्वयं आत्मा सुदृढ़ बहुत जन्मों की अंत के जन्म में और जो भी कुछ उसको वासुदेव या परमात्मा का स्वरूप है इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो पुरुष है वो महात्मा है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार समय जब भगवत बुद्धि होती है तो कुत्ते में भी भगवत बुद्धि होती है। तो कुत्ते के बीच के मां भगवत बुद्धि होनी तो दूर रही क्योंकि वो तो अपवित्र है, अपवित्र चीज का भक्षण करता है और उसके भीतर में सभी एक प्रकार से अपवित्र अपवित्र चीज भरी हुई है, किंतु उसके मां परमात्मा थी। तो हमारी उसमें भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए किंतु ये बात को दूर की। साक्षात जो परमात्मा है और दो नंबर में उस भगवत प्राप्त पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके और तीन नंबर में वह जो जिज्ञासु है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर हो रहे साधन के लिए वह इन तीनों के मां भी आपकी आपने औगुण दृष्टि रहती है, उनके छिद्र देखते रहते हो, उनमें दोष बुद्धि आप करते हो, तो आपका इतना शीघ्र कल्याण कैसे होए? भगवान तो कहते हैं कि सबके बीच के मां भगवत बुद्धि करो और आप भगवान में भी नहीं करते और न एक प्रकार से महात्माओं में करते और न जिज्ञासुओं में करते, सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। ऐसा न हो सके तो इनमें तो अवश्य करनी चाहिए जो साक्षात जो भगवान है उसमें और महात्मा पुरुषों में और उच्च कोटि के साधक पुरुषों में, उन लोगों के मां भी आपकी जो बुद्धि उच्च कोटि की नहीं है, भगवत बुद्धि में से ही किंतु उच्च कोटि की बुद्धि भी नहीं है, उनके गुणों की तरफ भी आप ख्याल नहीं करते हो, दिन भर उनके अवगुणों की चर्चा करते रहते हो, तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो ये बड़ी मुश्किल की बात। मैंने कहा कि जैसे घनश्याम है ये खुद भी कहता है कि मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और हम लोग भी सब ऐसा ही मानते हैं, इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इनमें जो अवगुण है इसको जो कभी झुंझलाट आ जाती है और कभी कहीं इसमें दोष घट जाता है क्रोध का या लोभ का, तो एक प्रकार से हम उसकी ठीका टिप्पणी करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमको ये मूल लाल जी है जो आए हुए आदमी की खातिर करते हैं या फोगला जी है, तो दोस्तों आदमी काम करने वाले में घटी जावे तो उनके बीच के मां अपने दोष बुद्धि हम करते हैं। यदि एक प्रकार से थी किसी भाई में भी अवगुण हुए तो हमको उसके अवगुणों की तरफ नहीं देखना चाहिए, गुणों की तरफ ही देखना चाहिए, तभी हम लाभ उठा सकते हैं। हम अवगुण देखते रहेंगे तो हमारे हृदय में अवगुण ही अवगुण इकट्ठे हो जाएंगे, एक घर के बीच में मैला इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारे पहले से बहुत मैला इकट्ठा हो रहा है और गांव का मैला और इकट्ठा कर लेंगे तो उद्धार होना तो दूर रहा, पत्नी की तरफ ही जाएंगे। भाई जो आपने नारायण श्राव जी है उसने हमारे पास एक प्रकार शिकायत करी, ये जो कमला दे है ना मोहनलाल जी और फोगलो जी, तो उसके विषय क्यों मां कि भाई ऐसा ऐसा इनका व्यवहार एक आदमी का साथ में ठीक नहीं हुआ। बात उनकी सही, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि भैया बात क्या है कि ये काम यदि तेरे जुम्मे लगा दिया जावे तो मुझको ये विश्वास है कि इनकी अपेक्षा और तुम्हारे में अधिक दोष आवेंगे, और ये नहीं तुम्हारे विश्वास हो तो तुम आज से वो काम अपने हाथ में ले लो और उनसे बड़ी आकर करके दिखलाओ, और नहीं तो एक प्रकार से दोष तो निकालना मामूली बात है, समझो कि क्रिया के बीच के मां दोष की कल्पना तो हम लोग श्री राम और श्री कृष्ण में भी करवाते हैं। तो वास्तव के बीच के मां वे लोग यथाशक्ति मेरी सम्मति की माफ की लोगों को जगह देते हैं, कमरा देते हैं, और व्यवहार कहीं बिगड़ जाता है वे भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता, और भगवान तो चाहेंगे ही क्यों।
पर कहीं कहीं ऐसी बात घट जाती है तो वे कहेंगे कि जय दयाल जी का इसी प्रकार से हुक्म है। और मैंने कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इनका कहना ठीक है। तो ख्याल करना चाहिए ये अपनी बुद्धि के अनुसार मेरा जो ध्येय लक्ष्य है उनके अनुसार ये करते हैं, और मैं जो इनको कहता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान जिस बात में राजी हुए ऐसा ही ख्याल करके के कहता हूं। किंतु कोई चीज का अभाव हुए और ग्राहक उनके अधिक हुए ऐसी परिस्थिति के बीच के मां ये सब घटना घटी जाती है। आज सोचिए प्रातःकाल हमारी बात हुई, जो नया भवन है उन्होंने कहा कि उसमें एक भी कोई कमरा खाली नहीं है, किसी को आप दीवार तो ख्याल करके दुआए। उसमें 8 कमरा तो आगे और 21 बचे गलने, 13 उसके गलने, तो 13, 21, 34 और 8, 39 कमरा है नए भवन में, सबका सब एकदम भर्ती है। एक दो जो खाली है वो आपने दे दिया गया उनको कि वे उनको साफ करके के उसके आने वाले को टिका दे। जैसे लोकनाथ जी है तो उनको 2 कमरा दिया गया, कलकत्ते सिटी शेख श्रीयां के जो सावित्री बाई आ रही है तो उनका मेरे पास भी समाचार आ गया, उनके पास भी आया तो वो कमरे कल धो करके के उनके जुम्मे लगा दिए गए, आज वे आने वाली है। तो अभी तो ठीक हुआ काम। अब और भी कोई एक कमरा तो इसी प्रकार से दिया हुआ है कि सूरजमल जी जो एक प्रकार से थी अपने डूंगरगढ़ वाले हैं तो उनको एक कमरा दिया गया कि उनके आज भी आने वाले हैं तो वो आने से वो आज ही भर्ती हो जाओ। तो कोई मैंने भर्ती समझना चाहिए जिसको वो दे दिए गए। और इसी प्रकार से गैल में जो 10 कमरा डबर है आगे बड़ो आगे बरंदो फिर बड़ो कमरों फिर छोटो कमरों, बोलो वो 10 का 10 कमरा एकदम परिपूर्ण हो रहा है। अब कोई भी एक समझो अच्छा आदमी है हमारी चिट्ठी लेकर के भी आवे, ईसा हमको लिख दिया था कि आप आओ हम आपको कमरा देंगे तो दीजिए साहब कमरा। अब बोले कि हम कहां से दें, जो रहने वाले भाई कोई दया करके 2 आदमी 2 कमरा में रहते और एक में रह जावे तो उसे तो हम दे देवे, अदमी हम किसको दे, हमारी दातारी क्या काम आवे। तो हमको यही कहना पड़े कि भाई बाहर में दे सकते हैं यहाँ भीतर में खाली नहीं है। तो उसको वो चीज भारी लगे, व्यवहार बिगड़ी, वो तो आया है उस कमरे की आशा पर उसको मिलता है नहीं। और उनके हाथ में जो निज में जो कोई ऐसा कमरा नहीं है कि कमरे में रहते हैं उसके लिए ऐसा कोई कमरा नहीं कि जो इस प्रकार से दे देवे, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ उठावे तो एक कमरे में रहते हैं उसमें आपने रहने के वहां आधा कमरा दे सके, बस उसके बाद तो चुप है। इसी प्रकार से इस भवन के बीच के मां भी समझो कोई एक दो कमरा खाली होता है तो दूसरे 4 कमरा के ग्राहक आ जाते हैं। अब व्यवहार बिगड़े तो वे कह देते हैं कि भाई आपने जय दयाल जी ने कहो एक प्रकार से हमारे पास तो कोई कमरा नहीं है। आने वाला समझता है कि ये बेईमान आदमी है, जय दयाल जी तो बड़ा भला आदमी, ये जो कोनी तो वे तो बिचारे अपने सिर के ऊपर बदनामी लेने के वास्ते करे। अब उनको ये तो पता नहीं कि ये जो कहते हैं सच कहते हैं कहते झूठ कहते हैं जी, इतना बड़ा बना हुआ भवन में क्या 2 कमरा नहीं, क्या हमारे लिए 1 कमरा नहीं, उसको विश्वास नहीं होता। अब वो उसके ऊपर नाराज होता है तो वे करे तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति के बीच के मौसम जो कठिन दागर के प्राप्त हो जाती है, एक प्रकार से समझो कि उस कठिनता में दूसरा भी उसके स्थान में हो तो उस पर भी वो कठिनता आएगी। तो मैं मेरे मन के बीच के मां समझो जिस तरह से भगवान राजी हुए ऐसे ही सबको मैं राजी रखूं, मेरे यो भाव रहे हो और बना को यो भाव रहे हो कि भाई जी हाँ जय दयाल राजी हो जी आपने करो। तो उन पर जो दोष लगावे आदमी तो मैं यार समझो मेरे पर ही दोष लगायो, और मेरे ऊपर यदि दोष लगायो तो मैं थोड़ी बहुत याद रखूंगी भी भगवान ही यहाँ राजी हो तो भगवान पर भी दोष लग गए। तो एक प्रकार से थी
समझो कि कमरे देने वाला पर भी और दिवाने वाले पर भी दोष, जो जगत पिता जो भगवान है उस पर भी दोष। अब तीनों के भीतर के बीच के वहां दोष बुद्धि हो जाती अर्थांतर से, वास्तु के भीतर के बीच के वहां मेरा भी दोष बहुत दफा होता है और देने वालों का भी दोष होता है। ये तो न हुए वास्तव की बात है, दोष तो पद पद में होता ही है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां समझो कि मेरा तो यह कहना है कि भाई किसी के मां भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, गुण बुद्धि करनी चाहिए। यदि शिव भगवान जी फोगले में 10 गुण है और 2 औगुण है तो उस 10 गुणा की तरफ ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही मोहनलाल जी में 10 औगुण है और 20 गुण है तो 20 गुणों की तरफ ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से घनश्याम में 5 औगुण है और 15 गुण है तो 15 गुणों की तरफ ही ख्याल करना चाहिए। औगुणों की तरफ तो ख्याल करना नहीं होगा, स्वतः ही हो जाए। हम लोगों को गुण ग्राही बनना चाहिए, औगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर हम कुत्तों के भीतर में और नीचे उतरोगे तो उसमें तो भगवत बुद्धि होने की नहीं। जो साधक आदमी है उनमें भी भगवत बुद्धि नहीं होती तो फिर कुत्तों में भगवत बुद्धि होनी तो और भी मुश्किल है। तो हम लोगों का क्षण मात्र में कल्याण हो जा ये तुम्हारा सवाल ये तो व्यर्थ है, कैसे हो सके। सब में यदि भगवत बुद्धि न हो तो मैंने कहा कि भाई जो ईश्वर परमात्मा और भगवान के भक्त है और समझो कि जिज्ञासु पुरुष है, इन इतना में तो समझो कि भगवत बुद्धि होनी चाहिए। और इन इतना में भगवत बुद्धि न हुए तो उनके बीच के वहां ये बुद्धि तो होनी चाहिए कि भाई भगवान जो है उसमें तो भगवत बुद्धि और उनके बीच में सेवक बुद्धि, ये तो ठीक ठिकाने बुद्धि है ना। यदि थे उनको शिक्षा देनी चाहो कि उनका जो काम खराब हो रहा है, बर्ताव खराब हो रहा है और हम तो अपने जिम्मेवारी में लेकर के उसको उनका व्यवहार नहीं कर सकते, किंतु उनको हम चिता दें उनके हित के लिए, तो वो भी चिताने की प्रक्रिया दूसरी प्रकार की होती है। आपका जो चिताना है उसके वहां दोष निकालना, वह उसकी जगह सफाई देवेंगे कि हमारा दोष नहीं है, हम तो जैसे जेजियाल कहता ऐसा करते हैं, वो दोष मेरे ऊपर आएगा, मैं सफाई देऊंगा कि भैया तू बदलाव उसको रखता। तो नहीं तो समझो कि जिनका आप दोष निकालो उनका हित होगा, अरे तुम्हारा हित होगा, अरे जनता का हित, अरे भगवान का तो हित होना ही क्या है। तो समझाने का यह ढंग है, किसी को उत्तम शिक्षा देनी हो तो उसको इस प्रकार से समझाना चाहिए। यदि उसमें 8 तो है गुण और 2 है अवगुण, तो 8 गुणों का पहले बखान करना चाहिए कि देखो देखो आप कैसी सेवा कर रहे हो, आप सत्संग छोड़ करके कर रहे हो, आप ऐसे भजन ध्यान का भी समय इसमें भजन ध्यान में समय निकाल के इसमें कर रहे हो, आपका देखो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक से आप दिन भर खट रहे हो, जितने उसके मां आपकी दृष्टि में गुण हो वह कह पड़ा। फिर सब बात होने के बाद में वो खुद पूछेगा भैया क्या कह रहे हो, हमारे में कोई त्रुटियां है उसको बताओ। बोले त्रुटियां की तो मैं क्या कहूं, एक मेरे में त्रुटियां है इस वास्ते मेरे दूसरों की त्रुटियां दिखे, पर आप पूछो तो मैं तो यह सोचू कि भाई शायद मेरी भूल हो करे, पर आप पूछो तो मैं बता सकूं। आप जो यो काम करो इस काम के बीच के वहां या मैंने थोड़ी गलती मालूम दी, इस काम ने यूं नहीं कर करके इस रस्ते से यूं करता।